आगरा के थाना इत्मदौला इलाके के टेढ़ी बगिया चौराहे पर एक हार्डवेयर की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां देर रात चोरों ने एक हार्डवेयर की दुकान का लॉकर काटकर दुकान में रखी 1,70,000 की नकदी, दुकान में रखा सामान और बाहर खड़ी वेगनार गाड़ी को लेकर चोर फरार हो गए। वही दुकान मालिक का कहना है कि दुकान मालिक दुकान के ऊपर बने घर में सो रहे थे। जब सुबह 4 बजे उठकर देखा तो दुकान के ताले टूटे पड़े हुए थे और दुकान में रखी नकदी और दुकान का सामान और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ी गायब थी, जिसकी सूचना तत्काल दुकान मालिक ने पुलिस को दी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और पुलिस जांच में जुट गई है। ऐसा है, 4:15 बजे करीब शटर लगने की आवाज हुई, मैं ऊपर से मैंने देखा तो मेन गेट ऊपर से बंद था हमारा। दूसरी जगह से मैं निकल के मेन गेट खोला पहले, फिर मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि सारी दुकान का सामान गायब था और नीचे वैगनार गाड़ी खड़ी थी UPSC CM 4809, वो भी मुझे गायब मिली। लगभग कितने का सामान गया, चोरी गया? 1,70,000 रुपये नकद था, कैश रखा हुआ। हाँ, और 6.5-7 लाख रुपये का सामान था और एक गाड़ी थी वैगनार। कितने का आंकलन है आपका जो? अब 12-13 लाख रुपए का गाड़ी समेत मानो। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, सूचना FIR करा दी है। कितनी देर बाद पुलिस यहाँ आ गई थी? सूचना 20 मिनट बाद आ गई थी, सुबह सुबह मैंने 100 नंबर पे फोन किया, 20 मिनट बाद आ गई थी। तो कैमरे वगैरह की व्यवस्था नहीं कराई आपने यहाँ? कैमरे लगे हुए हैं लेकिन 3 दिन पहले खराब हो गए थे, इसलिए सुचारू रूप से चल नहीं रहे थे। आप ऊपर रहते हैं, नीचे अपनी दुकान चलाते हैं? हाँ।